हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज हम लोग हिंदी मीडियम का क्लास करेंगे। इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाला देख लिया था, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिंदी मीडियम का लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा सब तैयार हो जाइए। ई ना कि पढ़िए तो रेगुलर पढ़िए, एकदम इंटरेस्ट के साथ, एकदम जब पढ़ाते हैं तो कॉपी पेन लेके बैठा रहिए। ऐसे मत आ जाइए मुंह दिखाने के लिए कि हाँ बैठे हुए हैं सर, पढ़ाई कर रहे, ये सब नहीं चलेगा। कॉपी लेके आइए और पेन लेके आइए। ऊपर से हम पोस्ट करते ही हैं यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो वो अपना टिक मारते रहिए। ठीक है ना, हर दिन एक एक ऑब्जेक्टिव दे दे रहे हैं, तो अपना करते रहिए। डेली डेली एक एक ऑब्जेक्टिव जाएगा, तो कम्युनिटी पोस्ट में हम ऑब्जेक्टिव डालते हैं, वो देखते रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा पढ़ेगा आज? तू पढ़ेगा, उजल का ना चल देगा, उजल का एक कलर का दिखाई देगा सबको। चलिए, तो हिंदी मीडियम, ठीक, एकदम ध्यान से इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, हिंदी मीडियम। अगला देखेगा लेक्चर जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो लेक्चर है 8, ठीक है, लेक्चर 8 है। और चैप्टर जो चल रहा है बुआ, चैप्टर है 2, सब कोई जानता है, चैप्टर है 2, ये सब कोई जान गया है। ठीक है ना, तो चलिए लेक्चर नंबर 7 में बुआ एकदम कंठस्थ हो गया होगा, एकदम कहिए तो मुझवानी बच्चा सब एकदम टिक, जो ऑब्जेक्टिव दिए थे कितना लड़का सब बना दिया। याद है ना लेक्चर नंबर 7 में क्या दिए थे? निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव, जो कि प्रूफ हो गया था 0, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर आपका तय, एकदम डन, एक नंबर आपका आ गया। ठीक है, 100 में से अब एक नंबर तो आपका आ ही गया। ये क्वेश्चन अगर आया तो तुरंत कौनो छोड़ेगा नहीं। तो आज बहुत बच्चा बोला कल तो निरक्षीय बताए थे सर, आज अक्षीय अक्षीय का बताइएगा, अक्षीय बताइएगा। बोले हाँ, आज का लेक्चर है अक्षीय वाला। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, विद्युत विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, एक बच्चों बोला था कि सर अक्षीय ना बताइएगा, हम बोले अरे सब बताएंगे जी, निरक्षीय बताएंगे, अक्षीय भी बताएंगे, आ कौन बिंदु पर कैसे निकाला जाता वो बताएंगे, सब बताएंगे। विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है ना, विद्युत विभव, विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव, इंग्लिशों में लिखते हैं, लिखिए ना सर, अंग्रेजों ना बनना है। तो चलिए इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इंग्लिश भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अक्षीय, अक्षीय मतलब एक्सियल, एक्सियल पॉइंट, किसके कारण हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उतार लीजिए बुआ, सब कोई उतार लीजिए था जल्दी जल्दी एकदम, ये टॉपिक है आज का, उतार लीजिए, बड़ी फीलिंग में पढ़ाते हैं, एकदम डूब जाइए फीलिंग में, डूब जाइए, ठीक है ना, एकदम मौज मस्ती में, ठीक है, एकदम बच्चा ऐसा नहीं, टॉपिक है पूछ देगा तो, अगर 5 नंबर में पूछ देगा प्रूफ करने के लिए, तो सब बच्चा एकदम 5 में तो 5 ऐसी ला देगा। चलिए तो देखिए, आइए समझते हैं सर, करना का है टॉपिक में, हम बोले अरे विद्युत विभव निकालना है सर, किन्ने, अरे किन्ने क्या, अक्षीय बिंदु पे निकालना है।
तो बताइएगा तब ना पहले अक्षीय बिंदु का होता है, किधर होता है। निरक्षीय तो बता दिए थे, अक्षीय तो बताइबे नहीं किए। तो अब देखिए अक्षीय बिंदु को समझते हैं। देखिए विद्युत विध्रुव क्या होता है, विद्युत विध्रुव क्या होता है, तो देखिए ई है आपका विद्युत विध्रुव, एक माइनस क्यू, उतना ही धन में आवेश होना चाहिए, जितना ऋण में उतना ही धन में आवेश होना चाहिए, और उनके बीच में कुछ दूरियों हो जाए, हल्का सा दूरी तनिसुन दूरी हो जाए, तब इस चीज को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, दुगो बराबर आवेश होना चाहिए, अगर ई क्यू है तो यो क्यू, दुगो बराबर आवेश, लेकिन विपरीत चिन्ह होना चाहिए। विपरीत कहने का मतलब एगो माइनस तो एगो प्लस, ठीक, और दोनों के बीच में, दोनों आवेशवा के बीच में अल्प दूरी होना, एकदम तन्नी सुन दूरी, एकदम थोड़ का, एकदम एकदम छोटा सा दूरी, ठीक है, एकदम हल्का सा दूरी, तो इसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। ये सब तो पहले ही से जानते हैं सर, ये सब तो जन्मे करते हैं, तनी बताइए निरक्षीय अक्षीय बिंदु क्या होता है। तो सुनिए, ई है बुआ माइनस क्यू, ई है प्लस क्यू, तो ये है विद्युत द्विध्रुव। अभी अक्ष है, ई अक्ष है, आ अक्ष के रेखा पर जितना भी बिंदु है, जितना भी बिंदु है सब, जितना भी बिंदु, सब जितना भी बिंदु है, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई सब जी, जितना एकदम पताल तक चल जाएगा, एकदम दानापुर से ही बिंदु हम लेंगे ना, सीधे एकदम पानापुर तक ही बिंदु जाएगा, ठीक है ना, ये सब जितना है, जितना बिंदु सब है ना, सब अक्षीय बिंदु है, सब अक्षीय बिंदु, ई ई ई ई ई, इतना सर हम बोले बहुत है, करोड़ को बिंदु हो जाएगा, तो सब पे निकालिए, उतना हम लोग के पास टाइम है जी, उतना टाइम है सब पे ना, कौन हुए को बिंदु ले लीजिए सर, उसी पे काम करना स्टार्ट कीजिए जल्दी जल्दी। हम बोले अच्छा ठीक है, बच्चा के इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं है, चलिए तो बच्चा के डिमांड पे एगो बिंदु हम चुन लेंगे। तो देखेगा ऐसे किए, इलिए विद्युत विध्रुव पहले बना देते हैं बच्चा के डिमांड पे, ई है विद्युत विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू। अभी देखिए विद्युत विध्रुव का नाम है ए बी कह लेते हैं, ठीक, कोनो दिक्कत ना सर। अब बचवा सब कह रहा है कि इधर में कोनो बिंदु ले लीजिए सर, इधर में कोनो बिंदु ले लीजिए, हम बोले ठीक है ये लीजिए बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, बिंदु ले लीजिए, यहां पे बिंदु का नाम रख देते हैं पी। बचवा बोले कि सब जानता है ये जो विद्युत विध्रुव है इसका मध्य बिंदु कहीं यहां पे है, अब मध्य बिंदु है ना तो दूरी हमेशा की तरह कितना लेते हैं बुआ, 2a, 2a, ये हमेशा दूरी कितना लिया, 2a, पीछे वाला क्लासवा में बताएं। आ बचवा सब बोला सर आधा आधा बांट दीजिए ना, का ये 2a 2a लिख रहे हैं, ये सब आधा आधा बांटिए ना, तो हम बोले ठीक है बचवा सबके डिमांड पे एकदम आधा आधा बांट दी, आधा आधा 2a को आधा आधा बांट दिए। तो ई देखिए बच्चा सबके डिमांड पे ई हो गया ए, आई वाला हो गया ए, दोनों ए हो गया, ठीक है ए आधा आधा ई ए ई ए, ठीक। अभी कोई मध्य बिंदु रहा होगा, क्या नाम है इसका ओ, ठीक है। अब सुनिएगा ये जो अक्षीय बिंदु है ना जानते हैं ओ से कितना दूरी पर लिया गया है, मान लेते हैं कि आर दूरी पर ले लिया गया है, कितना दूरी पर लिया गया बुआ, आर दूरी पे। जब भी सब बिंदु अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, ये सब दूरी कहां से मापा जाता है, मध्य बिंदु से। पिछले बार भी मापे थे मध्य बिंदु से, है ना, तो पिछले बार भी मापे थे कैंसल, हाँ पिछले बार भी मापे थे मध्य बिंदु से। तो चलिए ये दूरी हम आर कहां से लिए हुआ, मध्य बिंदु से, तो ई कौन बिंदु है, अक्षीय बिंदु है। तो सर अब कहानी तनी लिखिए ना, मतलब कहानी ना दिख रहा है कि एगो फोटोवा में ए बी एगो विद्युत विध्रुव है, फोटो में एगो विद्युत विध्रुव है, और जिसके कारण
अक्षीय बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालना है। का कोनो कहानी लंबा चौड़ा लिखवा दिए ना सर? ठीक है तो चलिए लिखते हैं, देखेगा। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण अक्षीय बिंदु, जिसके कारण हुआ अक्षीय बिंदु, उतारते जाइएगा अक्षीय बिंदु, टाइम दे देंगे, अक्षीय बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, फोटो बना लिए, कहानी लिख लिए, ठीक है। अब चलिए, बचवा सब बोलता है कि कैसे निकलेगा सर, कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है बुआ, एक फॉर्मूलवा याद है, एक फॉर्मूलवा, बच्चा से बोला कौन सा फॉर्मूला सर? अरे ये वाला याद ना है, अगर क्यू है आ क्यू आवेश है, आ क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो बिंदु पी पर विद्युत विभव कितना होता है आर दूरी पर? तो विद्युत विभव होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ये तो एकदम एकदम सातों जन्म में भूले वाला चीज है जी, ये बचवा से भूला जाए, कौन एकदम कोनवा में एकदम पीछे एकदम लुकल रहता था उस सब अभी एकदम दिमाग पे चढ़ होगा ये फॉर्मूला विद्युत विभव का, याद रख ले रहिएगा। इसका क्या काम है सर? हम बोले क्या काम है, देखते रहिए काची काम है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमको विद्युत विभव पी पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल। अरे वही खेला चलेगा जो लेक्चर 6 में चला है, वही खेला चलने वाला है। पहले इसके कारण ई बिंदु पे हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत विभव निकाल लें, निकाल लिए एकदम आराम से बैठिए बुआ। उसके बाद इसके कारण ई बिंदु पर विद्युत विभव निकाल देंगे, अब बस दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। सर इसके कारण बोले यहां पे निकालने के लिए तो ई वाला दूरिया पता ना होना चाहिए, ई वाला दूरिया महाराज पते नहीं है, कैसे निकलेगा ये? हमें तो हम ही सब पता करके दे, आप ना पता कीजिए ई वाला दूरी कैसे निकलेगा। ई इतना आर है आ इतना ए है, तो आर में से एक घटा दीजिए तो बीपी पता चल जाएगा, बीपी बीपी कितना हो जाएगा, आर में से इतना घटा देंगे तो इतना बचा है ना, आर में से ई वाला भगवा घटा दीजिएगा तो बचेगा, तो यही ना एकदम बोक्का है एकदम, देखिए ना नर्सरी का मायत लगल है, ई वाला में से ही घटाएंगे तो ये बचेगा, तो बीपी हमारा दूरी पता चल जाएगा आर प्लस ए। तो हम क्या लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है क्या बीपी जो होगा वो हो जाएगा आर माइनस ए। आ उसी प्रकार से एपी बताइए, तो क्योंकि जब यहां से इस आवेश के कारण इस पे विभव निकालिए तो ई वाला दूरी चाहिए ए से पी तक का, तो आर प्लस ए जोड़ देंगे आर प्लस ए, तो एपी हो जाएगा उसी प्रकार से आर प्लस ए बुआ। का दूरी निकाले में थक गए, कौन भारी काम है, कौन आईआईटी वाला ब्रेन लगाना है, हम इजी जैसे एकदम दूरी तो बच्चा बच्चा निकाल देगा, थोड़ा देर छोड़ देता तो वो सब निकाल देता, ठीक है। तो दूरी तो पता चल गया, अब निकालिए पहले इसके कारण यहां पे विद्युत विभव निकालिए, तो कैसे निकालिएगा सर, प्लसवा के कारण। हाँ प्लसवा के कारण, तो देखिए विद्युत विभव प्लसवा के कारण हो जाएगा, देखिए कैसे विद्युत विभव प्लस आवेशवा के कारण जो हो जाएगा वी प्लस क्यू बराबर जो हो जाएगा विद्युत विभव के क्यू अब बट्टा में दूरी यहां से यहां का कितना हो जाएगा आर माइनस ए। निकाल दिए एकदम बच्चा डांस कर ले, कौन भारी काम लग रहा है, इतना इजी आज तक इससे इजी कुछ हो देखे हैं ना। तो चलिए
चलिए ई वाला पेनवा से का होता है, ई एगो ऐसे एगो गुल्लू है तो ऐसे ऐसे करेंगे ना, एगो कौन दो फीचर है एकदम है, एगो ललका इधर से पियर का लिखाएगा, दोनों कलरवा लिखा जाता है। अच्छा चलिए हाँ आज ये टॉपिक वा पे, तो इसके कारण यहां पे हम विद्युत विभव निकालते हैं, अभी तो निकालिए दिए थे वैसी निकालिए ना जी। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। चलिए विद्युत विभव किसके कारण हुआ, प्लस क्यू वाला के चलते कितना हो जाएगा देखिए, तो आज निकाले है ना कितना बोलिए, के क्यू बट्टा में दूरिया कितना था आर माइनस है, आर माइनस है। अच्छा हो गया, अब क्या कीजिएगा बुआ, अब बताइए। तो अब हम कुछ ना बोलेंगे, एकदम सब अपने मन से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, अब क्या ची करे, सबको मालूम है, समझ गया ना, इसके कारण ई वाला बिंदु पे विद्युत विभव निकालेंगे। तो फिर लिखते हैं हम, चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव का कौन, भारी कुछ लिख रहे हैं, विद्युत विभव हो गया, ठीक है विद्युत विभव कैसे लिखेंगे, विद्युत विभव माइनस क्यू वाला के कारण, तो कैसे लिखेंगे कितना हो जाएगा जी, देखो इधर माइनस है ना, तो माइनस के क्यू अब बट्टा में यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी मतलब एपी, एपी कितना है आर प्लस से, यहां पे हो जाएगा माइनस के क्यू अब बट्टा में दूरी जो था एपी आर प्लस ए हो गया बुआ। तो इसके कारण यहां पे विद्युत विभव निकल गया, इसके कारण यहां पे विद्युत विभव निकल गया। अब सुन लीजिए बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना होगा, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कारण जो विभव निकाले हैं, इसके कारण जो विभव निकाले हैं दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, कौन भारी काम नहीं, एकदम सब जोड़ देना, एकदम कौन भारी काम लग रहा है, एकदम सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव, तो विद्युत विभव जो हो जाए कुल विद्युत विभव को हम भी से दिखाते हैं, दोनों को जोड़ देना, जोड़िए ना सर, तो भी प्लस क्यू अब प्लस भी माइनस क्यू दोनों को जोड़ दिए, तो भी बराबर भी प्लस क्यू कितना है के क्यू बट्टा में आर माइनस ए अब प्लस अभी माइनस क्यू कितना है माइनस के क्यू अब बट्टा में, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला चीज कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो के क्यू बट्टा में आर प्लस ए का, कोई दिक्कत बुझा रहा है ना सर, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखिए ये तो पता चल गया, यहां से देखिए पूरा क्लियर है, ये दोनों को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, जोड़े तो ये बीच में माइनस आ गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए के क्यू कॉमन लीजिए तो भी बराबर
क्यू कॉमन लिए। अब मैथ आ गया, फिजिक्स से अब घबराइए, मैथ जोड़ घटाओ एकदम पूरा सब एकदम, मैथ में तो तेजे होगा किसी का एकदम, ये सब कैलकुलेशन एकदम भारी नहीं लगेगा। के क्यू कॉमन ले लिए और एक बट्टा आर माइनस ए और माइनस एक बट्टा में आर प्लस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाला इधर चला जाएगा, ई वाला इधर चला जाएगा, तो भी बराबर के क्यू आर प्लस ए, ठीक, ई वाला इधर आ गया, अब माइनस आर माइनस ए, ठीक है। तो कर दें माइनस आर प्लस ए, डायरेक्ट लिख देते हैं, का झूठो के, अब सब इधर आइंस्टीन या न्यूटन बैठल है। माइनस ई वाला देखिए इधर आए तो आर प्लस ए, जब ई इधर जाएगा तो माइनस वाई गुना होगा ना, तो माइनस आर प्लस ए, मैं तो इबे करता होगा जो ई सब अब हम बताने लायक है। अब बट्टा में आर माइनस ए और आर प्लस ए लीजिए, हो गया। अब चलिए देखिएगा, तो ये पिलक्का से काट देते हैं, देखिए ई आर कट गया आ ए ए टू ए, तो अब देखिए इधर जगह नहीं है नीचे में, तो इधर लिखते हैं साइड में थोड़ा, चलिए तो देखिए इधर उसके नीचे इधर आ जाइएगा, तो भी बराबर कट गया तो ए ए टू ए, तो के क्यू पहले से है और ऊपर में टू ए, अब बट्टा में ए माइनस बी या ए प्लस बी, अरे ये तो नर्सरी वाला मैथवा आ गया, आर माइनस ए आर प्लस ए, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो नर्सरी का पहला क्लास का एकदम बचपन से मैथ एकदम तेज, सब इस सब में तेज है, कौन न जानता है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताइए बुआ, चैप्टर वन में पढ़ाए थे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ई वाला आवेश का परिमाण जो दिया हुआ रहेगा क्यू आ इनटू इनके बीच का दूरी, जैसे ई आवेश का परिमाण अभी क्या दिया हुआ क्यू, आ दोनों आवेशवा के बीच का दूरी कितना है 2a, तो q इंटू टू ए को एक फॉर्मूला दिए थे जिसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वाला फॉर्मूला याद है, p बराबर q इंटू टू ए, द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा जाता है, ये चैप्टर वन में हम बताए थे, ठीक है। कुछ बच्चा नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बैच पीछे होगा, लेकिन 9 बजे वाला बच्चा हमको लग रहा है पढ़ लिया है, 7 बजे वाला बच्चा भी हमको लग रहा है थोड़ा बहुत दिन हो गया है, देखना पड़ेगा, याद रख लीजिए P बराबर होता है क्यू इंटू टू ए, क्यू इन क्यू आ दोनों के बीच का दूरी 2a को हम P कहते हैं बुआ, ठीक है, ये चैप्टर वन में बताए हैं, तो Q इंटू टू ए को हम P कहते हैं, तो V बराबर K आ Q इंटू टू ए को P आ बट्टा में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। साइड में लिख देते हैं कि जो Q इंटू टू ए किसका फॉर्मूला है, इसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू टू ए को हम क्या लिख दिए हैं, देखिए Q इंटू टू ए को लिख दिए, बस हो गया, इतना हो गया ना। अब एक छोटा सा बात समझिएगा बुआ, हम नहीं बताए थे जानबूझ के, अब बता रहे हैं, ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है ना माइनस क्यू आ प्लस क्यू, ये बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा, अब क्या बताएं आपको, इतना छोटा, ये देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना छोटा, इनके बीच का जो दूरी होता है ना एकदम दूरिया एकदम छोटी गो होता है, छोटी गो होता है एकदम छोटी गो होता है, एकदम अल्प दूरी होता है, एकदम छोटा दूरी होता है, तो बचवा सब चिल्लाए लगा, तब कहे इतना बड़का बड़का दूरी ले लेते हैं, छोटा होता है तो छोटके लीजिए ना, कहे कंफ्यूज कर देंगे, बड़का बड़का दूरी कहा ले लेते हैं, हम बोले बुआ अगर हम छोटका दूरी ले लेंगे ना, इतनी को हम बना देंगे ना, इतनी को बना देंगे ना, ई वाला दूरी छोटा कर देंगे तो आपको दिखाइए नहीं देगा, दिखाइए नहीं तो पढ़ाएंगे कहां, ठीक है। तो दूरी बहुत छोटा होता है, दूरी बहुत छोटा होता है, देखिए इतना छोटा,
इतना छोटा अब दिखाई दे रहा है, तो हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं कैसे? जूम करके, देखिए ऐसा जूम करके पढ़ा रहे हैं, जूम करके। लेकिन असली में ये क्या है, इनके बीच का दूरी कितना है? एकदम इतना छोटा। और तनिगो, और तनिगो ल, ये तो दिखाइए नहीं दे रहा। अब लीजिए, देख लीजिए, आइए पढ़िए ना। तो दोनों के बीच का दूरी जो होता है वो बहुत छोटा होता है। हम जानबूझ के बड़ा करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर बड़ा ये दूरी नहीं करेंगे, ये वाला दूरी जो है, ये दूरी जो है, हम बड़ा नहीं रखेंगे ये दूरी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाइएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों के बीच का दूरी जो 2a है, वो हमेशा बोलिए बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। दिमाग में कहा गया सर 2a एकदम तनिग होता है, यही दिमाग में, बस दिमाग में बैठा लीजिए कि विद्युत विध्रुव क्या होता है, कि इनके बीच में जो एगो माइनस क्यू एगो प्लस क्यू आवेश, तो इनके बीच का दूरी जो होता है ना विद्युत विध्रुव का, तनिग होता है। जब इसका परिभाषा लिखवाए थे तो हम लिखवाए थे अल्प दूरी, एकदम दूरी एकदम छोटी होता है, दूरी एकदम तनिग होता है, ना के बराबर, ना के बराबर, लगभग 0.001 ऐसा, ना के बराबर। तो अब देखिए खेला को, देखिएगा यहां पे अभी 2a एकदम तनिग है, ई वाला 2a जो है यहां से यहां एकदम छोटी गो है, ठीक है। और लेकिन यहां से यहां आर कितना बड़का हो जा रहा है जी, ये देखिए इतना बड़का, और 2a एकदम तनिग हो, एगो नया फोटो में दिखा रहे हैं, देखिएगा देखिए, ये है आपका मान लीजिए विद्युत विध्रुव के बीच में दूरिया जो होता है एकदम छोटी को होता है, इतना होता है 2a, इतना छोटा, सॉरी इतने, अरे बहुत अल्प दूरी होता है। और देखिए आर वाला कितना है, बाप रे, मध्य बिंदु से जो हम आर दूरी माप रहे हैं पी बिंदु तक, ई देखिए कितना बड़का, आर इतना, ये फोटोवे में देखिए ना, ई वाला आर है, आर कितना बड़का है जी, आई 2a कितना तन्नीगो है, तो आर बहुते बड़का आ 2a तन्नीगो, आर बहुते बड़का आ 2a तन्नीगो, तो ए तो और तन्नीगो। ई देखिए आर है ये आर, ई है आर, ई देखते नहीं थे पहले, महाभारत आता था जब सीरियलवा आता था तो देखते नहीं थे, एगो बड़ा होए लगता था, मारपीट होता था ना, तो एगो बड़ा होता था, एगो को छोटा को, ई इसको पूरा डलैले रहता था, पटक देंगे पटक देंगे। तो ई आर है आ ई 2a है, ई आपका क्या है 2a, जब 2a छोटा है तो a तो और छोटा हो जाएगा, इसको a ही मान लेते हैं, काहे 2a है छोटा, तो बताइए a तो एकदम और छोटी को हो जाएगा, तो इसको डराइए रहता था, पटक दे उठा उठा के फेंक देता था, तो r बहुत बहुत बड़ा है a के सामने, a कुछ है डर के उठा के पटक देगा, ये जो अरवा है ना वो एक मुंडी पे उठा के फेंक सकता है, कुछो नहीं, ए का मान लगभग कितना है 0, ए का मान 0 हो जाएगा आर के तुलनात्मक, आर से तुलना कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो ए एकदम तन्नीगो है। तो यही बतवा हम समझा रहे थे, वो बहुत बार काहे लाई बार बार बोल रहे हैं बात, तो हम बोले ध्यान से सुनिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए आर के सामने बहुत छोटा है, तो छोटा है तो ए लगभग आर के सामने कितना है 0 है, तो ए के जगह हम कितना रख देंगे 0, अरे आर लाख है, लाख इतना ए ई ई ई ए एकदम इतना है 1.00000 1.0, मान लीजिए झूठो के 0 लगा के क्या फायदा, तो वो इतना है ए, ई है आर आई है ए, तो बताइए घटाइए दीजिएगा तो क्या फायदा मिलेगा, कुछ मिलेगा घटा ही के कितना मिलेगा, वो लगभग उतने मिलेगा। तो आप देखिए जब ए के जगह पे हम क्या कर देंगे 0, क्यों, क्योंकि आर से तुलना हो रहा है, तो एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है,
चलिए एक लास्ट स्टेप बस तीसर का पेज में, तो हम भी निकाले थे कितना, अगर द्विध्रुव छोटा है लिखेंगे क्या, ये तभी हो सकता है जब द्विध्रुवा जो है छोटा हो, तन्नी हो, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए जो आर होगा एकदम भयानक बड़ा होगा, राक्षस होगा, किसके तुलना में, इतनी गो ए के तुलना में, ए बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, आर एकदम राक्षस टाइप का, ठीक है, आ एकदम तन्नी गो एम बउआ जैसा, ठीक, तो भी बराबर बोलिए के पी आर स्क्वायर, क्योंकि ए आर के तुलना में जीरो है, तो इसलिए हम ए के जगह इधर देखिए यहां पे जो आया है, ए के जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, ए के जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, तो वहीं लिख रहे हैं जीरो का स्क्वायर, तो भी बराबर कितना आ गया, के पी बट्टा में आर स्क्वायर, लीजिए हो गया प्रूफ। तो अक्षीय बिंदु पे कितना निकल के आया, के पी बट्टा में आर स्क्वायर। तो ये विद्युत विभव होता है अक्षीय बिंदु पे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और पूछ सकता है, मेरा भी ऑब्जेक्टिव इस पे आएगा, ठीक है, याद रखिएगा आज के आज ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है आपको इस पे। तो बताइए विद्युत विध्रुव के कारण, विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो सबसे पहले ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद इतना उतार लेंगे ऐसे, और फिर नीचे में इसको, और फिर उसके बाद इतना, बस कितना होता है अक्षीय बिंदु पे, तो भी बराबर केपी बट्टा में आर स्क्वायर। तो ये आज का टॉपिक था अक्षीय बिंदु पर, कोई दिक्कत ना ना, चलिए घर जाइए आराम से खाइए पीजिए, पूरा फुल पढ़ाई हुआ आज के लिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर, होप यू आर डूइंग वेल।